की जी अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आपको ये जो बताना चाह रहा था और उसकी वीडियो भी मैंने फेसबुक को किस तरह से लॉग इन करना है और वो सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी है, वीडियो शेयर कर दी है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने फेसबुक पे काम कैसे करना है, तो उस पर मूव होते हैं। तो आप काइंडली सब ने ये चीजें देखते जाना है इसमें। अच्छा, एक और भी चीज है कि मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ, एक तो अकाउंट की वीडियो मैंने शेयर कर दी है और अभी मैं यहाँ पे आपको फेसबुक पे किस तरह से काम करना है वो बताऊंगा। उससे पहले फेसबुक को और लिंक्डइन को दोनों की वीडियो सेंड कर दी है मैंने और दोनों का मैं आपको आज बताऊंगा कि लिंक्डइन पे आपने किस तरह से काम करना है और फेसबुक पे किस तरह से करना है। साथ में आपको आज नहीं कल की एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा कि आपने यहाँ पर किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करना है, जो कि एज ए बिजनेस आप यूज करेंगे, वो चीजें भी आपसे शेयर कर दी जाएंगी। फ्रेंडली आप ये सब खामोश हो जाएंगे, आपकी आवाजें आ रही हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्लास में आप लिहाज किया करें हर चीज का। अच्छा, ये ग्रुप कुछ और तरह के निकल रहे हैं। ये देखिए, हमने जब भी सर्च करना है ये सर्च इंजन में जाना है, फेसबुक के सर्च इंजन में जाना है, और यहाँ पे जाके मैंने सर्च कर लिया है। वैसे दोबारा से बता देता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग आपने यहाँ पे सर्च करनी है। तो इस तरह से अभी आप पूरा भी नहीं लिखेंगे तो ये सारा कुछ नीचे आ जाएगा। आप गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स में चले जाएं, तो ग्रुप्स में जाके जिसकी न्यू आईडी है उसने सिर्फ इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। कि ये सबसे पहले आपके पास मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अच्छा ग्रुप कौन सा होता है और ग्रुप को ज्वाइन कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें आपसे शेयर की जाएंगी अभी। और आपने इसको बड़े ही ध्यान से देखना है। ये देखें, ये जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं वहां पे विजिट आ रहा है, और जो ज्वाइन नहीं किए वो सामने ज्वाइन आ रहा है। अभी मैं इस पे आपको बताता हूँ कि अच्छा ग्रुप कौन सा वाला होता है और हल्का ग्रुप कौन सा वाला होता है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप है और इसमें जो मेंबर्स हैं 4.3K मेंबर्स हैं, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि 10 पोस्ट अ डे जिसमें भी लिखा होगा वो आपको भी अच्छा होगा। इसको मजीद हमने चेक किस तरह से करना है कि कोई फजूल पोस्टिंग तो नहीं लग रही, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ही पोस्टिंग लग रही हैं, इसको देख लेते हैं। आई नीड न्यूज वेबसाइट्स, ठीक है जी, ये अच्छी पोस्टें लग रही हैं यहाँ पे, गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड ही पोस्टें लग रही हैं यहाँ पे, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली की यहाँ पे 10 पोस्टें लग रही हैं तो ये ग्रुप अच्छा है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अभी हमने ये देखें, ये 259K है, इसमें अच्छे खासे मेंबर्स हैं और 10 प्लस पोस्ट अ डे है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड। आई नीड बैक लिंक्स, ठीक है, नीड बैक लिंक्स ऑन डेली बेसिस, आई नीड बिजनेस साइट्स, एनी एसईओ एक्सपर्ट्स,
आई नीड फैशन गेस्ट होस्ट, नीड कॉमनिश, और यहाँ पर भी अच्छी पोस्टें लग रही हैं, और ये गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ही है, इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। जिसकी फेसबुक अकाउंट पुराना होगा, थोड़ा ओल्ड होगा, तो उसको, अच्छा ये टर्म एंड कंडीशन आ सकती है पार्टिसिपेंट के लिए, यहाँ पे लिखा है यस सर्च एसईओ वेब चेकर इन गूगल फॉर एसईओ मार्केटिंग एंड गेट 50+ एसईओ टूल्स। अच्छा ये आपने क्वेश्चन देखने हैं और इनके आंसर करने हैं, यहाँ पे उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, आपने टेक टेक करना है बस। यस आई विल सर्च एंड विजिट एसईओ वेब चेकर एंड विल प्रोवाइड स्क्रीनशॉट। नो देन यू वांट टू अलाउ मी इन ग्रुप। आप यस भी कर सकते हैं, ये नो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे लिखा है गेट फ्री बैक लिंक फ्रॉम सेल बाय, ठीक है जी, विल सेल बाय, ये भी, इसको भी आप यस भी कर सकते हैं, यस ही कर सकते हैं। यहाँ पे एग्री पे आपने क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे, या आपने उसके आंसर जो थे उसके क्वेश्चन कर दिए। ये 50K की है, ये भी अच्छी है, तो इसको भी आप यहाँ से विजिट कर लें। पिक्चर तो यहाँ पे अच्छी लगी हुई है, आप यहाँ पे विजिट कर लें, ये भी गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ही न्यू पोस्टें आ रही हैं। ये देखिए ये पोस्ट लगी हुई है, तो आप 10 मिनट अगो है, ये 8 मिनट अगो है, और ये 6 मिनट अगो है, और ये जस्ट नाउ है, ये ठीक है जी, इसको हम यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वापस जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ग्रुप्स ये भी हैं। अच्छा आपने न्यू अकाउंट पे 5 से ज्यादा ग्रुप्स ज्वाइन नहीं कर दिए, ये आप देख रहे हैं। अच्छा मैंने इसको विजिट ही कर दिया है, इसको वापस चलते हैं। इसी तरह से आपने ये वाली भी ज्वाइन कर लेनी है और ये वाली भी ज्वाइन कर लेनी है। आपने नहीं करना, आपको जिस तरह से बताया आपने उसी तरह से करना है। ये मैं कर सकता था, मेरे पास ये थी, मैंने काफी पुराना अकाउंट है मेरा, इसलिए कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये नहीं करना। यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग लिखा है, यहाँ पे आप एसईओ लिख के भी कर सकते हैं। ये देखिए हम एसईओ करके लिखेंगे ना, तो सिर्फ एसईओ लिखा है, तो ये यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे, तो कुछ ज्वाइन होंगे, कुछ ज्वाइन करने होंगे, तो वो सारे हम कर सकते हैं। ये ग्रुप भी हमारा ओपन हो गया है। चलें जी, हम यहाँ पे अलग से ग्रुप आ जाएंगे, ये काफी सारे ज्वाइन हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह से, आपके पास 40+ ग्रुप्स होने चाहिए। ये 10 पोस्ट आ डे लिखा है, मुझे इसका पता है, मैं इसलिए इस इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। आप लोग भी इस तरह से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ये छोटे ग्रुप भी हैं, बड़े ग्रुप भी हैं, ये सारे हर तरह के ग्रुप होंगे, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आपने, एक तो ये बता दिया, तो दूसरा आपको ये भी बता दूंगा कि आपने जिस तरह से यूके गेस्ट पोस्टिंग्स एसईओ कंटेंट राइटिंग, ये मैंने आई थिंक ज्वाइन किया है, आप लोगों ने भी ज्वाइन कर लेना है। अच्छा ये देखिए, ये एक इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, ना आपने इनवाइट करना है। ये किसी पाकिस्तानी बंदे ने ये ग्रुप बनाया है और उसकी ट्रैफिक अच्छी है। अच्छा अभी हम यहाँ पे एक और चीज देखने वाले थे, मुझे स्किप हो गई है, कि क्या करने वाला था मैं, यहाँ चलें देख लेते हैं, याद आएगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अभी मैं भूल गया हूँ। अच्छा इसको अभी हम इसमें ना किसी एक में पोस्ट लगाते हैं, ये जैसे ये ओल्ड ग्रुप है,
अच्छा ये इसका देखें, इसका उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पब्लिक किया हुआ है उन्होंने, 259 के मेंबर्स हैं, 8 अनरीड पोस्ट हैं, रिसेंटली ज्वाइंड, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, आपने पहले यहाँ से पढ़नी है। कुछ कई बार इस तरह से हो जाती है कि आप ना, ये तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है इसलिए मेरे लिए थी ये, आप कई बार इस तरह से, तो ग्रुप जो है वो रेलिवेंट ग्रुप नहीं होता, लेकिन आप उसको कर लेते हैं, ऐसे ही उसको ज्वाइन कर लेते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से यहाँ पे पोस्ट करना है। कल मैंने इस पर बात की थी कि आप किस तरह से एक्सपर्ट तरीके से पोस्ट लगा सकते हैं, तो वो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप जिस तरह से पहले बताइए उसी तरह से भी लगाते जाएं तो मसला नहीं होगा। अभी ये देखें, हम गूगल के सर्च इंजन में आ गए, यहाँ पे हमने SEO सर्च कर लेनी है। छोटा सा फार्मूला है, इसको सर्च किया, SEO को सर्च किया, SEO को सर्च करने के बाद इसकी इमेज में चले जाना। ये देखें, ये इमेजेस हैं यहाँ पे, इसमें कोई भी इमेज आपने कॉपी कर ली। और एक और भी तरीका है इसका, आप एरो को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इमेज पे लेके जाना है आपने। ये देखें, ये इसकी इमेज है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जब आपने क्लिक करना है तो जिसको कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, सेव एज इमेज भी कर सकते हैं। कितना कुछ आ गया ये, इससे चलें जी, ये यहाँ पे ही कर लेते हैं, डाउनलोड में ही कर लेते हैं। पे कर लिया, तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और वहाँ पे यहाँ पे इसको लगाना है, हमने किस तरह से लगाना है ये देखिए, आपने इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं और उसको वैसे भी लेके आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, सीखने वाली बात है, सीखने के लिए सारा कुछ हो रहा है, आपने इसको रिपीट कर लेना है जिसको नहीं समझ आए, क्योंकि इसको ये इमेज लगाने लगा के एक प्रॉपर पोस्ट क्रिएट करने का मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने किस तरह से ये पोस्ट क्रिएट करनी है ये आप लोगों को पता है, मैं बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये एक बड़ा ही अट्रैक्टिव तरीका है इसका, और इससे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर को पता चलता है कि ये, क्लाइंट्स को पता चलता है और रिसेलर को पता चलता है ये प्रोफेशनल बंदा है।
ये एक प्रॉपर पोस्ट हो गई, आपने इमेज भी इंसर्ट कर दी और आपको इमेज लेनी भी नहीं पड़ी। तो दूसरा ये है कि आपने ये पोस्ट भी इस तरह से क्रिएट कर ली, ये कॉपीराइट फ्री है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता। आपने ग्रुप में इसको पोस्ट कर दिया, जैसे ही आप इसको देखेंगे एक दो तीन बार इसको देखें, ये कोई मुश्किल मेथड नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ये मेरे से या किसी और से भी पूछना पड़े। ये यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये देखें लिखा है, इटली स्पेन यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया जर्मनी कनाडा फ्रांस सिंगापुर। देखें आप लोगों को नाम पढ़ने भी आ जाएंगे इतने कंट्रीज के, ये भी लाजमी पढ़ने हैं। फेसबुक का आई थिंक आपको पोस्ट भी लगाना आ गया है और यहाँ से सर्च करना, ग्रुप ज्वाइन करना और सर्च करना भी आ गया है। तो अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। और क्लोज करने के बाद हम इसको चलें जी इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक हो गया। अभी हम थोड़ा सा और चीजों को देख लें। अच्छा अभी हम आ गए हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने वीडियो नहीं बनाई, वो वीडियो बाद में बन जाएगी, आप लिंक्डइन पे जरा चेक कर लें। मैं आपको इसको भी बता देता हूँ इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, इसकी एक वीडियो आ जाएगी। फेसबुक को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है उसकी भी वीडियो आ जाएगी। आप ये चीज़ देखें कि आपने लिंक्डइन पे काम कैसे करना है, सिर्फ हमने अभी काम पे बात हो रही है, सिर्फ काम ही करना है और काम को ही देखना है। अच्छा जी ये देखें आपने यहाँ पे सर्च करना है जैसे। अच्छा मैं आपको पहले से बता दूं, ये जैसे फेसबुक है वैसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये थोड़े से प्रोफेशनल लोगों का है, जो बिजनेसमैन होते हैं ये वही यूज करते हैं, हर बंदे को इसका शौक नहीं है। ये किस तरह से इससे इस पे डायरेक्ट बात आप नहीं कर सकते, आपने इनडायरेक्ट बात करनी है, और जब आप इनडायरेक्ट बात करेंगे तो फिर उसमें आपको अगले बंदे को पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम हो रहा है या किस तरह से काम कर रहे हैं। आपके प्रोफेशनल होने का सिर्फ यहाँ से इस तरह से ही पता चलेगा। देखे सारी पोस्ट जो हैं यहाँ पे इन्होंने जितना कुछ भी लिखा है, अपने किसी को ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। ये देखें ये बंदे ने जिस तरह से पोस्ट लगाई है, आप लोगों ने इस तरह से कोई पोस्ट नहीं लगानी, मेरी बात समझ ले। आई हैव ऑथर साइट आई नीड रीसेलर्स पेमेंट आफ्टर लिंक लाइव लिंक कम इन बॉक्स। आपने इस तरह की कोई पोस्ट नहीं लगानी, आपने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लेना है। स्टार्ट में आपको अगर आप लगाएंगे तो आप बैन हो जाएंगे, आपने थोड़े से पुराने होना है इस पे जाके, फिर जाके आपने पोस्ट लगानी है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपने क्या करना है किस तरह से। ये देखें जी ये यहाँ पे आप SEO ही सर्च कर लें, लिंक बिल्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने काफी सारी चीजें आएंगी जिनको आपने स्टडी करना है। अभी हमने करने हैं ग्रुप स्टडी, ठीक है। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि आपने, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ, मैंने किसी और जगह पे, मेरी दूसरी वो है जो प्रोफेशनल है, तो यहाँ पे मैं काम बहुत कम करता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे चोरी सब सराज साहब आके पूछते हैं मेरे से कि आप क्या करते हैं, आपको मेरे से मिलके कैसा लगा, तो वो इसलिए मैं यहाँ पे काम नहीं करता। अच्छा, ये आपने ग्रुप सर्च किए हैं तो ऑल फिल्टर भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊँगा आप फिल्टर किस तरह से लगाना है आप लोगों ने। सबसे पहले ये है कि ये मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं तो व्यू पोस्ट आ रहा है, तो आपने जब ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इस तरह से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ फेसबुक पे जिस तरह से आपको पता चल रहा था वैसे ही है, इसको आपने रीड कर लेना है और इसको ज्वाइन करते जाना। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ स्टार्ट में, आप पहले यही कर लें अभी फिर वहां पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए, यहाँ पे आप पीपल भी सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी सर्च कर सकते हैं, जॉब्स भी, पोस्ट भी, कंपनीज भी, और इवेंट्स भी, कोर्सेज भी, स्कूल भी, सर्विसेज भी, और ऑल फिल्टर भी। यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। मैं अभी आपको ग्रुप्स बताया है, अभी आपको पीपल बता देता हूँ। इसको आपने ना कॉन्टेक्ट भेजनी है, ठीक है? तो सबसे पहले अच्छा, जब आप इनको इनकी ये जो है ये कनेक्शन हैं, सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, तो ये भी सेकंड है, सेकंड है, थर्ड भी आएगा, मैं थर्ड भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसकी मैंने फर्स्ट सेकंड बता रहा हूँ, चलें इसको छोड़ देते हैं। थर्ड भी होता है, फर्स्ट वो होता है जो आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो कनेक्शन सेंड करता है, वो फर्स्ट होता है जो उसके साथ वाला होता है, उसको सेकंड कहते हैं। अच्छा, आप इसको ना ईमेल जो है ना बार्गेनिंग ईमेल बताओ इसको, गौरी को, गौरी आप किसी बाहर बैठ इस तरह से। मैं आपको बताता हूँ, आपने ये जब देखें लाहौर से हैं, जब आप इनकी आईडी पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस कंट्री से हैं, ये सारा कुछ आपको यहीं से पता चल जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं, तो ये ठीक है, इसको भी हम कनेक्शन सेंड कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि अच्छा, एक और भी चीज है, एक तो आपने कनेक्शन सेंड किया, यहाँ पे सेंड करेंगे साथ में आप एड नोट भी लिख सकते हैं। एड नोट का आपको एक ही बार मिलता है, ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको ये चांस नहीं दिया जाता, एक ही बार होता है। अब उसकी मैंने आईडी देख ली है, उसके पास पता उसको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने मुझे व्यू किया है, मेरा मैं भी उसके व्यूज में चला जाऊंगा। ये नोटिफिकेशन है, फेसबुक की तरह ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं, तो ये आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी, जो लोग आपके कनेक्शन में होंगे, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से ये माई नेटवर्क, अच्छा ये मैसेजेस हैं, जो मैसेज आएगा फेसबुक की तरह यहाँ पे ही इसका पॉपअप आएगा। और ये जॉब्स हैं, आप यहाँ पे जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं। इस पर मैं एक वीडियो बना के दूंगा कि जॉब को कैसे सर्च करना है आपने, लेकिन जॉब की क्योंकि जॉब से रिलेटेड बात ही नहीं हो रही। ये देखें जी, ये और सेट से ड्रॉक आया है यहाँ पे, ये इन्होंने कनेक्शन सेंड किया है मुझे, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम और भी कर सकते हैं। ये यूक्रेन का है तो इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और इग्नोर भी किया जा सकता है। बेसिकली हमने इसको एक्सेप्ट क्यों करना है और इसको इग्नोर क्या क्यों करना है, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये देखिए, ये काम ही कुछ और कर रहा है, हमारे रिलेटेड ये काम नहीं है इसका, ठीक है? ये आपको बाद में पता चलेगा बी टू बी क्या होता है। ये लिखा ना इसने बी टू डी और बी टू सी, ये आपको बाद में ये आपने खुद सर्च कर लेना, क्योंकि ये रेलिवेंट चीज नहीं है, मैं अभी यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा आप लोगों को।
इसके पीछे चलेंगी वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन हम इसको किसी तरह से ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये भी हैं जी, सना खुर्शीद हैं, चौरी सरफराज साहब हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इनको। और यहाँ पे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये वीडियो पब्लिक होगी और सारे लोग यहाँ पे अब आएंगे। अच्छा ये मेरी प्रोफेशनल आईडी नहीं है, आप यहाँ पे कनेक्शन भेज रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं, आप भेजें। और यहाँ पे हम जिनको ये देखें, जैसे मोहम्मद इमरान को मैंने, मोहम्मद इमरान अली को मैंने यहाँ पे कनेक्शन सेंड किया, तो मैं इनका फर्स्ट बन जाऊँगा, कनेक्शन बन जाऊँगा। और यहाँ पे इनको भी मैंने सेंड किया है, इसी तरह से ये फर्स्ट सेकंड जो मैंने आपको बताया था इस तरह से आएगा। और चलें जी, इनको मैं बाद में देखूंगा ये क्या है। आप इस तरह से कनेक्शन जब आपको सेंड किया जाता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं उनको, जैसे ये देखिए ये इग्नोर कर दिया और ये भी इग्नोर कर दिया, ये एक्सेप्ट हो गया और ये भी सुंदर भी एक्सेप्ट हो गया और ये भी एक्सेप्ट हो गया, ये भी एक्सेप्ट हो गया और जो सरफराज साहब भी एक्सेप्ट हो गए, ठीक गया। जब आपने फॉलो करना है तो यहाँ पे बेल आइकन आएगा, जब आप बेल आइकन कर देंगे तो उनके जो भी जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, आपको कोई भी पोस्ट आएंगे आपको समझ आ जाए करेगी कि ये क्या प्रोसेस है। अच्छा ये देखें, ये ना एक इनका चैनल है, ग्रुप है, चैनल है, और इनके वो उन्होंने यहाँ पे ना वहाँ पे इनको इनवाइट टू सब्सक्राइब टू पावर योर प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, या इस तरह से आपको आएंगी रिक्वेस्ट आएंगी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट इसलिए किया है कि आपको दिखाता हूँ ये क्या है, इसके एक्सेप्ट करने के अलावा भी दिखाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए, आपने अपनी एक्सेप्ट करना है, अगर आपको लगे कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए पहले आपने देख लेना है, ये उन्होंने पोस्ट करी है, अभी इसको डिस्कस करने का टाइम नहीं और करेंगे भी नहीं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, वो दिखाता हूँ, यहाँ पे किसी एक बंदे को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखें। अच्छा ये देखें, ये कनेक्शंस हैं और ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो लोग हैं ना ये मेरी कनेक्शन में, ये सारे लोग मेरे कनेक्शन में हैं, आप भी इनको यहाँ से मेरे कनेक्शन में आके मेरी आईडी पे आके आप भी इनको कनेक्शन भेज सकते हैं, लेकिन ये देखना है आपने 10 से ज्यादा रिक्वेस्ट स्टार्ट में नहीं भेजनी है, ज्यादा कनेक्शन आपने नहीं बनाने स्टार्ट में, 10 5 10 5 इस तरह से बनाएं, आप 5,000 कनेक्शन बना सकते हैं, जो आपको ब्लॉक करेगा या आपको वो रिफ्यूज करेगा तो आपको उसका पता नहीं चलेगा, बस वो शो नहीं होगा आपके पास। अभी यहाँ पे हम चोरी सफराज साहब को ही ओपन करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि किसी की भी। अच्छा ये देखें, इनको जब आपने मैसेज करना है ना तो मैसेज इस तरह से आएगा, ये प्रीमियम नहीं है इसलिए इनको मैसेज हम कर सकते हैं, अगर ये प्रीमियम होते तो इनको हम मैसेज नहीं कर सकते थे। इनकी एक्टिविटी देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं, ये इनकी इमेजेस, ये इन्होंने लोड की है, ये देखिए इन्होंने अपलोड की है पहले से, वही वाला मेथड यूज किया है, और इनकी दूसरी एक्टिविटी देखनी है अगर
ये सी हेलो, हम इनको हेलो करेंगे तो हेलो इनको चला जाएगा। ये इन्होंने कमेंट्स किन किन को किए हैं ये भी यहाँ पे शो हो जाएगा। आप किसी तरह से भी हिडन नहीं रहते, आपका पोर्टफोलियो यहाँ से, ये ही सारा कुछ आपका पोर्टफोलियो भी है और आपके सीवी भी है। यहाँ से जो बंदा आपको देखता है वो आपकी सीवी की उसको जरूरत नहीं पड़ती। ये आप लोगों को वादे करता जाऊं कि ये आपकी जब अच्छे से आपने इसको, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ऑप्टिमाइज करना बता देता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने ये यहाँ पे एक्सिक्यूट पोस्ट गेस्ट पोस्ट हाई ट्रैफिक एंड हाई, ये सरफराज ये यहाँ से हटाओ, ये चीजें नहीं, इस तरह से नहीं करनी है आपने। ये क्या किया है आपने, गलत मैंने उठा ली आपने, ये इस तरह से नहीं इनको यहाँ पे लिखना, आपने गलत ऑप्टिमाइज की है, आपने अच्छे से करें इसके। टॉक अबाउट एसईओ ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे ही, और ये जीमेल भी यहाँ से हटा के अब दूसरी लगाएं, न्यूमेरिक जी मेल यहाँ पे नहीं लगानी, प्रोफेशन जी मेल लगाएं, कोई नई बना लें उसको थोड़ा सा यूज करें, उसके बाद यहाँ पे लगाएं। आई थिंक हमने दो लेक्चर जो हैं, दो चीजों पे, दो टॉपिक पे आज, फेसबुक और लिंक्डइन पे हमने ये चीजें सीखी हैं, किस तरह से ग्रुप ज्वाइन करते हैं और किस तरह से हम ये इसको किस तरह से हम ज्वाइन करने के बाद पोस्ट लगा सकते हैं। तो आपने पोस्ट जैसे वहां पे लगाई वैसे ही स्टार्ट पोस्ट पे जाके आप पोस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से आप इमेज अपलोड करेंगे। तो यार मुझे अच्छा कोई बात नहीं, मैं लगाना नहीं चाह रहा था तो वो थोड़ा फास्ट है मेरे से। आपने, मैं आपको ये भी बताऊंगा आपने किस तरह से ऑप्टिमाइज करनी है। तो सारी चीजें जो हैं वो आपको टाइम के साथ साथ पता चलती जाएंगी, कोई चीज ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर वीडियो हो जाएगी जो अलग से मैं सेंड कर दूंगा, वो उसमें नहीं बताई जाएगी, इसलिए नहीं बताई जाएगी होगी तो वो चैनल पे, अगर एक ही चीज पर डिस्कस करते रहेंगे तो वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। अभी आते हैं आपके कि आप, ये मैंने भी अच्छे से ये ऑप्टिमाइज नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं की प्रोफाइल, अभी मैं कर लूंगा, एक दो दिन तक कर लूंगा, फिर मैं इस पर भी बात कर लेंगे। अभी मैंने खुद नहीं की तो मैं आपको वो चीज़